हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं राजस्थान जीके से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके राजस्थान के किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, पहला क्वेश्चन बनता है कि थार मरुस्थल का प्रवेश द्वार, कि थार मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है किस शहर को कहा जाता है। तो गाइस, थार मरुस्थल का जो प्रवेश द्वार है वो जोधपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बनता है कि देश का पहला हेरिटेज होटल कौन सा है। तो जो हमारा इंडिया देश है, मतलब भारत देश है, इसका जो पहला हेरिटेज होटल है उसका नाम है अजीत भवन, जो कि राजस्थान में पड़ता है। अगला है, जोधपुर स्थित शेखावत जी का तालाब किसने बनवाया था। तो दोस्तों, ये बनवाया था रानी अतिरंगदे। ओके, नेक्स्ट है हमारा, पन्ना लाल शाह का तालाब कहाँ स्थित है। तो पन्ना लाल शाह का तालाब खेतड़ी में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, अगला क्वेश्चन बनता है गाइस, संत मीठे शाह की दरगाह कहाँ स्थित है। तो संत मीठे शाह की जो दरगाह है वो गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में स्थित है। ओके, अगला है, सिटी ऑफ बेल्स घंटियों का शहर किसे कहा जाता है। तो घंटियों का शहर जो कहा जाता है वो झालरा पाटन को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, बांगड़ का धड़ी किसे कहा जाता है। तो ये हो जाएगा बाबा शक्करवार पीर। ओके, अगला क्वेश्चन है, तोपखाना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो तोपखाना जो है राजस्थान के जालौर जिले में स्थित है। ओके, नेक्स्ट बनता है हमारा क्वेश्चन, घड़सीसर सरोवर कहाँ स्थित है। तो ये घड़सीसर सरोवर जो है ये हमारा पड़ता है राजस्थान के जैसलमेर में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का पंजाब, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं। तो राजस्थान का जो पंजाब है वो सांचौर को कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, नारंगी जूतियाँ कहाँ की फेमस हैं। तो जो नारंगी जूतियाँ हैं गाइस वो राजस्थान के जोधपुर जिले की प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। ओके, और अगला क्वेश्चन बनता है, चमड़े पर चित्रांकन की कला को क्या कहा जाता है। तो गाइस, एक कला होती है जो कि चमड़े पर चित्र बनाना होता है, तो उस कला को क्या कहा जाता है। तो गाइस, उसको कहा जाता है उस्ता कला। ओके, अगला क्वेश्चन गाइस बनता है, इम्पोर्टेंट तो है बट आपको आराम से तैयारी से देखना है क्वेश्चन को, कि लकड़ी के झूलों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान जीके से रिलेटेड कि राजस्थान में कौन सा ऐसा जिला पड़ता है जो लकड़ी के झूलों के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है, तो आप लगा सकते हैं राजस्थान का जो जोधपुर जिला पड़ता है वो लकड़ी के झूलों के लिए प्रसिद्ध है। ओके, और अगला क्वेश्चन बनता है कि देश में सोयाबीन सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है। एक क्वेश्चन मैंने अलग से रख दिया है जो आपको जीके का रिलेटेड हो जाएगा। ओके, तो जो सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो किया जाता है भारत के मध्य प्रदेश शहर में, या कह सकते हैं मध्य प्रदेश स्टेट में किया जाता है, राज्य में किया जाता है। अगला है, राज्य में धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान के किस राज्य में जो धनिया होती है उसका उत्पादन किस जिले में किया जाता है। तो राजस्थान का जो दोस्तों झालावाड़ जिला पड़ता है उसमें धनिया का उत्पादन किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला
मिर्च उत्पादन में प्रथम है। मतलब राजस्थान का जो कौन सा जिला है जो मिर्च के उत्पादन में सर्वोपरि है, मतलब प्रथम स्थान रखता है, तो ये हो जाएगा राजस्थान का जो जोधपुर शहर पड़ता है, जिला पड़ता है, तो वही हो जाएगा मिर्च के उत्पादन में प्रसिद्ध। अगला है, राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो गाइस, राजीव गांधी जनजाति विश्वविद्यालय जो स्थापित किया गया है वो किया गया है बांसवाड़ा में। ओके, तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।